वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है, क्लास टेंथ का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे देखेंगे इस कहानी में, ठीक है, कि कौन कौन से पात्र हैं। और यह कहानी जो है वो इंसानियत के नाम पर है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए। कहा जाता है, देखिएगा, आप कभी फील किए होंगे कि गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है। दिल बड़ा का मतलब साइज में बड़ा नहीं, ठीक है, यानी दिल बड़ा का मतलब होता है कि देखना, अगर आप किसी गरीब के घर पे जाएंगे तो पूरा जान लगा देगा आपका रेस्पेक्ट करने में, ठीक है। लेकिन वही अगर किसी अमीर के घर जा रहे हैं, दोस्त के घर, तो कहेगा हाँ ठीक है, साइड में बैठो, ठीक है, और फिर ला रहे हैं कुछ, या फिर देखते हैं यार चलो कहीं मार्केट में चलते हैं खाने। यानी देखिएगा, दिल से रेस्पेक्ट कोई देता है, इज्जत देता है, तो ये गरीब घर पे ही मिलता है। इसी के बारे में ये डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिएगा, लेसन 7 है ठेस, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु इनके लेखक है, ठीक है। ये लेखक अपने गांव में किस प्रकार का कंडीशन देखते हैं और ये देखने के बाद से इन्होंने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। वो देखते हैं अपने गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है, गरीब ही समझो उसको, जिसका नाम रहता है सिरचन। उसी के बारे में है कि ये किस प्रकार का है, ये खेतिहर आदमी है, काम करने वाला आदमी है, ठीक है। जाति के अनुसार ये तो एक कारीगर है जो काम करता है, और ये किस प्रकार का काम करता है यहां देखते हैं लोग। इसे पता है क्या कहते हैं, सिरचन जो है इसको कहते हैं कि बेकार ही नहीं, ये बेगार है, बेगारी है, इसको काम देना ही बेकार है, इससे कोई काम नहीं करवा देते। अभी इसके जिंदगी में दो पार्ट है, ठीक। एक समय हुआ करता था जब सारे लोग सिरचन को खोजते थे। पूरा कहानी पढ़िएगा, पूरा समझिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तब ये समझ में पूरा आएगा। अभी इसको क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं, एक समय था कि पूरा लोग इसके पीछे पड़े रहते थे कि मेरा काम कर दो, तुम ही तो एक हो, काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और ये अभी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, यहां ध्यान से समझेंगे। यानी कि लोग कहते थे इसको कि सिरचन को तुम काम पे बुलाओगे, वो बेकार है, उसको फ्री में भी काम दोगे तो भी बेकार है, ठीक है। उस मतलब फ्री में काम करेगा तो भी सही से नहीं कर पाएगा। यानी कि लोग कहते हैं कि ये क्या है, बेकार ही नहीं बेगार है। अगर कोई मजदूर, ठीक है, एक काम कर रहा है तो उसका एक तिहाई भी इससे काम नहीं हो पाएगा, एक बट्टा तीन हिस्सा भी, तब तक ये आएगा धीरे धीरे, हल्के हल्के पांव से आता है, ठीक है, और धीरे धीरे काम करता है, इससे कौन काम करवाया जाएगा, ये तो फ्री में भी मांगना है, ठीक है, लोग इससे कहते हैं। लेकिन देखिए, इसकी जिंदगी ऐसे नहीं थी, पहले ये बहुत ही मेहनती था, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा पीछे, पास्ट में इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए, किसी दुर्घटना में इसको मान लें, ठीक है, इसकी पत्नी भी नहीं रही, ठीक है, और इनके बच्चे भी नहीं थे, ठीक है। तो यहां हम समझेंगे अच्छे समय इनके देखते हैं। पहले क्या था कि देखिए, विशेष इनके पास कुछ स्पेशल कला था काम करने का, ठीक है। जैसे कि ये कला क्या था, तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी कि सिरचन देखो ना, तुम ही ना एक गांव में हो। बड़े बड़े लोग आते थे अपना कार लेकर के, जो भी है गाड़ी लेकर के, और लगा के और अपना काम इनसे करवाते थे, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े महलों के लोग होते हैं, ठीक है। और कला क्या था, तो बांस और कुश का सामान ये बनाते थे, और ऐसा सामान बनाते थे जो पूरा उस एरिया में कोई नहीं बनाता था। इसीलिए उनके पास तो टाइम था ही नहीं, थोड़ा सा भी समय नहीं था। देखने वाला चीज, बांस से भी कोई कोई चीज ऐसा बन जाता है, हम लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, डलिया बनता है बारात वगैरह में जाने के लिए, ठीक है, जो पीछे टांग दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मतलब बनाते थे, कौन, सिरचन जी, ठीक है। अरे डलिया, पेटी, चटाई, चटाई में भी अलग अलग प्रकार का। देखिए पहले के लोग ना, मतलब नेचुरली चीज से इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज बना देंगे, ठीक है, कि वो देखने के लायक होता था। और कुछ लोग उसका, अगर आज वैसा बना दिया जाए तो आज के लोग उसका फोटो खींच के रखेंगे कि पहले ऐसा था, इतना खूबसूरत बनाया जाता था। यहां देखिएगा, अब यहां पर देखते थे, लेकिन एक इनमें देखिएगा, ये जो काम करते थे, तो इनमें काम करने के बाद लोग भीड़ क्यों लगाते थे, अच्छा काम करते थे। और दूसरा एक और खूबी थी, ठीक है, कि जो काम करता था तो पैसा पे काम नहीं करता था, खाना पे काम करता था, ठीक है। वो कहता था कि हम काम आपके हिसाब से और खाना हमारे हिसाब से, हम जो बोलेंगे, और वो भी खाना कैसा है तो बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा, ठीक है। यानी ये जो बोलेगा उस हिसाब से इसको खाना चाहिए, भर पेट चाहिए, ठीक है। खाना में लापरवाही कीजिएगा, बीच में ही काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, कहेगा फिर अगले दिन आएंगे, और अगले दिन सिरचन नहीं आते थे, ठीक है, यही ये करते थे। यहां देखिए, एक दिन हुआ क्या था कि देखिए, ब्राह्मण की टोली के पंचानंद चौधरी,
ठीक है, कि पुत्र की बेइज्जती इन्होंने कर दी। गलती से गए होंगे पंचानन चौधरी के यहाँ काम करने के लिए, ठीक है, और वो सही से खाना नहीं दिए होंगे तो बड़ा बिजोड़ इंसल्ट भी करता था ये, ठीक है। अगर खाना नहीं, एक तो ये पैसा नहीं ले रहा है और खाना पर काम कर रहा है, उसमें भी खाने में भी अगर लापरवाही कीजिएगा तो सरेआम सबके सामने बेइज्जती भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उन्होंने बेइज्जती कर दिया कि क्या तुम लोग यार बड़ा बनते हो, ठीक है, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट करके और तरकारी देती है, यानी तरकारी का मतलब जो सब्जी हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज है, किताब में ऐसे ही लिखता है, यानी थोड़ा सा सब्जी देती है, इतना कंजूस है, ठीक है, और इमली के रस डाल करके कढ़ी देती है, यानी कि इमली के रस डाल कर, इसका मतलब कि दही तो है नहीं, देखिए जब कढ़ी बनता है तो उसमें दही वगैरह डालने के बाद से बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है, उनके हिसाब से। और यहाँ पे बोला है कि खट्टा करने के लिए तुम इमली का रस डाल देते हो, क्या तुम लोग अपने आप को बड़ा बनोगे, ठीक है। बहुत बिजोड़ सरेआम सबके सामने बेइज्जती की है, और यह बेइज्जती लेखक देख रहे थे। लेखक कौन? फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। अब थोड़ा सा ये कहानी में अब देखते हैं ट्विस्ट, लेखक है, यही से तो थोड़ा सा इस कहानी में फीलिंग आ जाता है। देखिएगा कैसे, यहां पर समझ ले कि जो कहानी है, देखिए श्रम के प्रति सम्मान की भावना, श्रम माने होता है मेहनत, ठीक है, मेहनत कोई भी करो, ठीक है, और उसमें इज्जत मिलता है ना, आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट, जो काम करवा रहे हैं आपको इज्जत दे करके फिर आपको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो काम में बड़ा मन लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई आपको काम दे दे और गाली वगैरह दे या कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं लगे, कितना भी पैसा दो, ठीक है। और हम बिहारियों में तो एक क्वालिटी होती ही है, ठीक है, कि देखो डायरेक्टर बोले देखो यह काम छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे, ठीक है, इज्जत से काम करवाना तो काम करो, तो दूसरा काम हम देखेंगे, ठीक है। यही इनमें एक बुरा आदत था कि थोड़ा सा इनके खाने के साथ लापरवाही हुआ, ये बीचे में काम छोड़ के चले जाते थे। यहां देखिए रिश्तों की गहराई, और यहाँ पे रिश्ता की गहराइयों के बारे में बताया गया है कि जो रिश्ता बनता है उस रिश्ता में कितनी गहराइयां होती है, रिश्ते के टूटने के बाद से इंसान की क्या हालत होती है यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये घटना है लेखक के यहाँ की। एक बार लेखक को भी फणीश्वरनाथ दुबे की जरूरत पड़ गई, कब, जब उनकी बहन की विदाई हो रही थी, पहली बार जब वो अपने मायके से, मतलब अपने ससुराल से मायके आई थी और फिर दोबारा उनका विदाई करना था, तो उनके पति देव यानी कि हस्बैंड जो है वो क्या कहते हैं, वो दहेज की मांग किए थे कि ये चीज तुमको लेके आना है, और पहले ये सब हुआ करता था, दहेज नहीं दोगे तो लोग लड़कियों को जला देंगे, ठीक है, मतलब बहुत ही तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इनके पति देव ने डिमांड किया था कुछ दहेज का, तो वही फणीश्वरनाथ दुबे को बुलाया गया था सामान बनाने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत सामान बनाते थे। अब देखिए यहां पे विदाई के समय आपको बता दिए, लेखक के घर आ गए सिरचन काम करने के लिए, और जब काम करने के लिए आए और जब काम में लग गए सिरचन, तो लेखक अपनी माँ से बोल दिए, देखिएगा खाना पीना में इनको कम ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो सरेआम इंसल्ट करते हैं ये, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो गया। लेकिन देखिएगा एक और चीज, औरतों में एक, अब ये गुड हैबिट कहे कि बैड हैबिट कहे ये हमको ही समझ में नहीं आता। देखिए अगर दो तीन औरत है, ठीक है, अगर एक औरत जैसे घर में होती है ना कुछ औरतें, तो अगर एक औरत को अगर मायके जाना है या कहीं भी जाना है और उनके सास और ससुर अगर उसके लिए कुछ अच्छा चीज बनवा रहे हैं तो दो को देख के जलन होगा। ये मतलब इनमें अंदर, इनके अंदर जलने की भावना शुरू होती है। औरत खुद औरत को नहीं देखना चाहती है, कभी भी देखिएगा सास और बहू में तो कभी पटा ही नहीं है, कहां पटता है। या फिर एक और बात आप मिलाइएगा, इतिहास गवाह है कि कभी भाभी और ननद में पटा हो, ठीक है, वो हमेशा कोनो ना कोनो बात पे लड़ी जाती है, ठीक है। यानी महिलाओं को खुद महिलाएं ही अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, वो अपने ही एक बोला जाए जात समझ लीजिए, ठीक है, तो उनसे पड़ता ही नहीं है। यहां पे वही देखिएगा, जब उनकी बहन की विदाई थी और सिरचन आया था, मतलब सिरचन आया और काम करने लगा और इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज बनाने लगा, तो यहां पे देखिएगा क्या होता है, इनकी चाची, लेखक की चाची और मझली भाभी, ठीक है, वो देख रही थी, बाप रे इतना खूबसूरत ये लेके जाएगी, ठीक है, ये दिमाग में चलने लगा। अब कुछ ना कुछ करके सिरचन को भड़काना पड़ेगा ताकि सिरचन गुस्सा हो जाए और काम छोड़ के भाग जाए, ठीक है। देखिए ये कैसे, यानी कि उनके ईर्ष्या की प्रवृत्ति, मैंने शुरू से जेनेटिक लग रहा है कि असर है उन लोगों का, ठीक है, मैंने जलने की, अंदर से ही जलने का एक गुण उनमें होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आप देखे होंगे, जाते होंगे बारात वगैरह में, तो औरत औरते को देखिएगी या अपना चीज कोई भी पहन लेगी चीज तो दिखाएगी, ठीक है, या फिर गहना कोई पहन ले तो एकदम गहना का आगे वाला, मतलब जो भी होता है हार टाइप का जो भी समझ लो, एकदम फ्रंटे पे होना चाहिए ताकि लोग देखें,
ठीक है, और औरतें को दिखाएगी आके घर पे उसी का डिस्कशन करेगी। बारात कम देखती है, अपना पर्सनालिटी ज्यादा देखती है कि हम कितने उसमें स्मार्ट थे और सबसे अच्छा दिख रहे थे कि नहीं। कोई लोग बुरा नहीं मानेंगे, बस समझाने के लिए एक टॉपिक है। यहां देखिए, जब यहां पे उनका और ये कमजोरी जानते थे शीर्षण के में कि खाना पर गुस्सा होता है, तो अब खाना को लेकर ये चिढ़ाना चाहती थी ताकि काम छोड़ के भाग जाए। इतना सुंदर सुंदर ये घर पे लेके जाएगी, यहां तो कोई लाता नहीं है। ठीक है, देखिए खाने के समय जब थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ तो उसके बाद से वो कुछ शीर्षण मांगा, तो देखिएगा भाभी क्या करती है, चिवड़ा और गुड़ लाती है, मीठा समझते हैं ना गुड़, ठीक है, वो ला करके दे दी। शीर्षण देखा और देखते रह गया, उसको गुस्सा आ गया, वो जोर से बोलने लगा कि ये खाने में आप क्यों दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या हुआ, तो जैसे लेखक के मम्मी को बुला मतलब बुला रहे थे कि देखिएगा ये चिवड़ा और गुड़ हम खाते नहीं है, मतलब माजी, तो ये बोलिए कि ठीक है थोड़ा सा बुनिया भी, उधर से माँ चिल्लाई कि बुनिया भी थोड़ा सा दे दो। तो यहां देखिएगा बाद में बुनिया लाई भाभी और ऊपर से ऐसे फेंक दी। अब आ गया शीर्षण को गुस्सा कि खाना इसे दिया जाता है, तो शीर्षण अब बताइए कि किसी को ला के खाना दीजिए कि लीजिए ये थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आप भोजन को ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो कितना प्यार से दीजिए वो खा लेगा, अब प्यार से जाइएगा खा लेके लीजिए ठूस लीजिए, तो गुस्सा होगा कि नहीं, ये कौन सा प्यार बरसा रहा है, ब्रांडेड प्यार है कोई। यहां देखिए इसलिए बेढंगा तरीका से दिया तो वो गुस्सा हो गया। अब ये शीर्षण गुस्सा हो गया तो जवाब दिया अपनी भाभी को, देखो क्या अच्छा आपके मायके से, मतलब आपके जो भी होता है मम्मी के घर जहां उनका घर है अपना, मायके से अगर खाना आता है तो आप सबको ऐसे ही बांटती हैं, दूर से फेंक देती हैं, ऐसा तो आप नहीं करती होंगी। ठीक है, अब इस बात को लेके तू मैं दोनों में हो गया। तो औरतों में एक और मैंने गुड हैबिट बता दे रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट आप कभी कभी देखिएगा, जब उनसे ज्यादा बात कीजिएगा ना किसी बात को लेकर लफड़ा लीजिएगा और देखेगी कि वो हार रही है, बस आंख से गंगा जमुना सरस्वती सब बहाने लगेगी, लगेगी वो रोने। ठीक है, और यही सबसे बड़ा अपने आप को पावरफुल इसी मतलब इसी चीज से समझती है, जब वो रोने लगेंगी तो सारे लोग कहेंगे एक दोस्त इसमें नहीं शीर्षण में था। अब सब लोग शीर्षण को डांटने लगे तुमको ये सब कहने की क्या जरूरत है, उसके पूरा बताओ तुमको इतना तुम कैसे बहस उठा लिया, उसके घर का बात तुम कर दिया, वो भी बोलने लगी जाके रूम में अपने जाकर के, लगी रोने कि बताइए उसकी औकात क्या है, एक छोटा सा गरीब आदमी है और हमारे घर का बात वहां तक क्यों पहुंच गया, बहुत सारा बड़ा बात मतलब बात का बतंगड़ बना देती है। और रोने में तो सब हिसाब किताब हो ही जाता है कि वो पहले ही बेकसूर है, जब रोती तो समझिएगा वो बेकसूर है, इस चीज से अलर्ट रहिएगा। अब देखिए देखिए यहां पे शीर्षण का जवाब तो भाभी को दे दिया। ठीक है, अब देखिए वहां पे चाची साइड से गुजर रही होती है। ठीक है, शीर्षण यहां बर्दाश्त कर रहा है, वो चाहता तो भाग जाता। ठीक है, लेकिन नहीं भागता है, कुछ समझता है कि लड़की की विदाई है, और देखिए ये गरीब है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है, देखिएगा आगे कैसे। जब वहां से चाची उनकी गुजर रही थी, ठीक है, तो चाची से मतलब बोला, ठीक है, चाची से मतलब कि क्या बोलते हैं, बोले कि चाची थोड़ा सा जर्दा वाला पान लगाओ। ठीक है, अब चाची थोड़ा सा नहीं होता, ये चाची तो इसी कैटेगरी की थी, महिला थी भाई, महिला का मतलब समझते ही हैं आप, मही मतलब धरती और हिला जो पूरे धरती को हिला दे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो चाची थी, चाची से बोला कि तनी जर्दा वाला पान लगा दो, तो ये बोले कि कभी जिंदगी में पान नहीं खाया है, अपने घर पे कभी कुछ खाया है कि नहीं पान, ये गुस्सा में बोली। अब शीर्षण को आ गया बहुत तेज गुस्सा। ठीक है, लेकिन देखिए जो लेखक की बहन की शादी थी उसका नाम मानू था, मानू धीरे से लाई और पान उनके तरफ रख दी। ठीक है, और जब पान रख दी तो शीर्षण खा लिया, लेकिन वो बाहर निकल गया गुस्से से, ये लफड़ा देख करके वो जब बाहर निकल गया तो बैठ के सोच रहा था, तब तक कि यहाँ से लेखक गए और उसके बाद से देखे कि बैठा हुआ है, तो बोला कि नहीं बाबू आज के बाद हम किसी के यहाँ मतलब तुम्हारे घर पे ही एक रेस्पेक्ट इज्जत मिलता था, अब हम देख ले आज के बाद किसी के हम काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों काम करने जाए और किसके लिए हम काम करेंगे, मेरा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एक पत्नी थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, बच्चे तो है ही नहीं। ठीक है, तो किसके लिए हम काम करें, आज के बाद ये सब काम धंधा बंद, ये बात बोला। मतलब उनको शीर्षण को बहुत दुख लगा था इस बात को लेकर के। ठीक है, जब उनको इज्जत नहीं मिला था, एक तो ये फ्री में काम करते हैं सिर्फ खाना पर, और वो भी सही से नहीं मिला, और खाना भी मिला तो ऐसे खाइए मत ठूस लीजिए, ऐसे खाना मिला तो ये भी अच्छा उनको नहीं लगा। मानू को भी थोड़ा सा दुख लगा। ठीक है, क्योंकि जब ये मायके जाएगी
तो इनके पति पूछेंगे और कोई सामान नहीं लाएगी। तो वैसे ही देखिए होता क्या है कि पुराने जमाने में लोग लड़कियों के दिमाग में फिट क्या कर देते हैं कि बेटी तुम अगर अपने घर पे जा रही हो तो जा रही हो डोली में, वहां से तुम्हारा अर्थी ही जनाजा ही उठना चाहिए, तुम अपने किसी भी हालत में कितना भी बुरा कंडीशन हो जाए घर को छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। तो ये चीज जब दिमाग में फिट हो जाता है ना तो वहां से लड़कियां बंध जाती हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो उसी घर में अपना जीवन यापन करती है और बिताती है, जो कि आज के हिसाब से वो गलत है, ठीक है, और पहले के हिसाब से भी वो गलत है। तो यही है, वैसे ही सोची कि चलो जो मेरे साथ होगा देखा जाएगा, ठीक है। और ये सब करके सीचन जब चला गया तो सब कुछ ये भी सोचते हुए भी फिर भी मानो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। देखिए बिना सामान लिए जो भी उनके पास था वही ली और रेलगाड़ी पर बैठ गई। मानो तो चला गया लेकिन मानो के दिमाग में एक चीज था कि जो मानो जाएगी, मानो दीदी ऐसे ही लोग कहता था, मानो दीदी जाएगी और उसके बाद से उसके पास कोई सामान नहीं होगा, उसके बाद से उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ये चीज उस गरीब के अंदर सिरचन के अंदर ही था, ठीक है। अब ये चली गई तब देखिए सिरचन वहां से जब गाड़ी का गेट बंद किया गया, मतलब रेलगाड़ी का गेट बंद हुआ, लेखक उनको छोड़ने के लिए गए थे, ठीक है, गाड़ी पर चढ़ाने के लिए गए थे रेलगाड़ी पर, तो वहां से दौड़ा दौड़ा हाँफता हुआ सिरचन आया, ठीक है, सर पे कुछ सामान लिया हुआ था, ठीक है, और आया और बोला लेखक से कि बाबू थोड़ा सा एक काम कीजिए, दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, मानो दीदी को एक बार हमको देखना है, ठीक है। तो दीदी को देखना है तो ये तो ठीक है यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा सा मानो भी गुस्सा था कि सिरचन काम नहीं किया, छोड़ के चला गया, ये गलत है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे वो किसी बात को लेकर उसको दुख लगा था ना जी, तो कहीं जहां पे इंसल्ट हो, ठीक है, और काम के प्रति लोग आपको अगर बुरा भला कह करके और तब आपको पैसा दे तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। अब जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लेके गया था, ये इसको याद था, शीतल पाटी चीक यानी असली एकदम कुश का बना हुआ बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये अपने लिए रखा था, लेकिन ये फिर सोचा कि ये मेरा किस काम का आएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा किसी की जिंदगी बच जाएगी, इसीलिए सब चीज ले करके, ठीक है, असली कुश का बना हुआ, कुश से जो बना होता है खर वगैरह जो भी ये समझ लीजिएगा, मतलब जंगल से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया था। यहाँ हम समझा रहे हैं शीत पाटी और चीक क्या होता है। देखिए चीक का मतलब होता है बांस की तिलियों से बना, मतलब झीना पर्दा, यानी कि चीक का मतलब होता है बांसे से, मतलब उसको तिली से काट काट करके बांस को, और पर्दा जैसे एके में मतलब फिट करके रस्सी से बांध करके और पर्दा जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। और शीतल पाटी क्या होता है तो चिकनी और पतली चटाई होता है ये भी, तो ये ला करके दे दिया। मानो इसके बदले में उनको देखिए क्या भी यहाँ पे लिखा है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम देने की कोशिश की, पैसा देने की कोशिश की कि ये ले लीजिए, लेकिन वो हाथ जोड़ दिया और बोला कि नहीं इस बार पैसा नहीं, ठीक है, और वो लगा रोने, उन दोनों भावुक हो गए, इस बार पैसा नहीं, ठीक है, आप जाइए, और ठीक है ये आखिर मेरे किस काम का, मेरा तो कोई है नहीं, ठीक है, तो ये किस काम का, सिरचन हाथ जोड़ के बोला। जब वहां से ये क्या बोलते हैं, दादा बोलती थी मोनू जो है ना, सिरचन को ऐसे ही दादा बोलती थी, और वो ऐसे ही मजाक में नहीं बोलता था, ऐसे दीदी रेस्पेक्ट में इज्जत दे रहा था, ठीक है। अब जब वहां से सिरचन चला गया, गाड़ी खुलने वाली थी, तो लेखक जब उस पोटली को खोल करके देखे तो उसमें क्या था, सब सामान देख करके वो हैरान हो गए, इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज वो बनाया था, उसमें सब ला करके किसको दे दिया, मोनू दीदी को दे दिया, और इस प्रकार से बेचारा वो गरीब वहां से चला गया। अब बताइए यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इस गरीब का दिल कितना बड़ा है, ठीक है, जो कि इसका नाम क्या है, सिरचन, कितना भी परेशान करने की कोशिश की है, ठीक है, ये परेशान नहीं हुआ है, परेशान सब कुछ छोड़ के चला गया है, लेकिन इसके अंदर की इंसानियत नहीं गई है, ठीक है, और महिलाओं की प्रकृति प्रवृत्ति को यहाँ देखते हुए, ठीक है, फिर भी इन्होंने हेल्प किया है, मदद किया है, ठीक है, और अपना भल बोला कि अच्छा मान लीजिए कि मेरा इंसल्ट सोचा होगा ऐसे कि मेरा इंसल्ट होगा तो आखिर क्या बात हो गया, कोई बात नहीं, किसी का जिंदगी तो खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपना सारा सामान ला करके दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन समझ में आया होगा। लेखक का नाम याद रखेगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठेस है, ठीक है, लेखक सॉरी पाठ का क्या नाम है, ठेस। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।